Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Hamid Ali and I am lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences, Shergarh. Today we will study about your 7th chapter, which is digestive system. Topics which we will cover today are definition, parts of digestive system, peristalsis, functions and layers of the stomach, role of bile juice in the digestion, digestive functions of liver, gallbladder, functions of saliva, gastric juice and its function. So let's begin. How can we define digestive system? Digestive system को किस तरह define करते हैं? The system which converts large food particles into small food particles is called digestive system. जो बड़े food particles हम जो लेते हैं उसे छोटे में convert करने के लिए हमारा जो system इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं digestive system. और the system which converts large complex undiffusible insoluble food materials into small simple diffusible and soluble particles is called digestive system. जो लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट करता है, जो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसे सिंपल करता है, और जो डिफ्यूज नहीं होते उसे डिफ्यूजिबल बनाता है, और इनसोल्युबल को सोल्युबल करता है, ये रोल है तो है डाइजेस्टिव सिस्टम का. पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास है माउथ है. माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे पार्ट्स होते हैं. अब देखते हैं क्या है. ओरल कैविटी पहले आता है, उसके बाद ईसोफेगस आता है, उसके बाद स्टमक आता है, फिर नीचे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो हमारे पास मूवमेंट किस तरह होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में उसे कहते हैं पेरिस्टेल्सिस. पेरिस्टेल्सिस इज अ प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइज कंट्रेक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक. सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक सीक्वेंस के साथ कंट्रेक्शन होती है और फूड को ये आगे प्रोपेल करता है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स में स्टार्ट फ्रॉम ईसोफेगस अंटिल द बोवल्स. ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और बोवल्स यानी जो रेक्टम होता है वहां तक इसकी मूवमेंट होती है. ये इनवॉलंटरी होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है? मूविंग यानी फूड को आगे लेके जाना एंड मिक्सिंग ऑफ फूड यानी फूड को मिक्स करना. अब हम पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक. स्टमक की एनाटॉमी क्या है? स्टमक के चार लेयर्स होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस एंड सेरोजा. जो आउटर होता है उसे सेरोजा कहते हैं और जो इनर लेयर होता है उसे म्यूकोसा होता है जो फूड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है. स्टमक के फंक्शंस क्या होते हैं? ये स्टोर करता है फूड को, ये मिक्स करता है और प्रोपल्स करता है यानी आगे भेजता है, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, ये बैक्टीरिया को भी किल करता है इसलिए इसका एंटीसेप्टिक रोल है, ये डाइजेशन में रोल होता है, इसका एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसका रोल होता है. बाइल जूस का क्या रोल होता है डाइजेशन में? बाइल जूस ये लिवर के साथ एक गॉल ब्लैडर होता है जिसमें बाइल जूस स्टोर होता है. इट इज अ येलोविश ग्रीन डाइजेस्टिव सिक्रीशन. ये इसका कलर होता है येलोविश ग्रीन, लिवर से सिक्रीट होता है और क्या करते हैं ये लीवर का सिक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो गॉल ब्लैडर में आते हैं. ये हेपेटोसाइट जो लीवर के सेल्स होते हैं एंड डक्टल सेल्स जो लीवर के सेल्स होते हैं और जो डक्ट के सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करता है बाइल जूस को. ये 500 से 1000 ml पर डे सिक्रीट होता है. इसका पीएच क्या होता है? 7.6 टू 8.6 और इसे गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर होता है. लीवर का डाइजेस्टिव फंक्शन क्या होता है? Besides making bile for the release in duodenum, liver has other digestive functions. Liver के कौन से functions होते हैं? ये store करता है food को, process करता है और कुछ nutrients को inactivate करता है. ये glycogen को भी store करता है, glucose glycogen में convert होता है और liver में store होता है. इसके अलावा vitamins और iron को भी absorb करता है और store करता है. Gallbladder, जिस तरह मैंने पहले बताया जो गेस्ट जो जूस होते हैं जो लिवर से एक्सक्रीट होते हैं वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, ये बाइल को स्टोर करते हैं.
ये 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं। 30 to 50 ml ऑफ बाइल इसको स्टोर करते हैं और ये लिवर के अंडर सरफेस पे ये गॉल ब्लैडर होता है और कनेक्टिव टिश्यू के साथ लिवर के साथ अटैच होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें दो लेयर्स होते हैं, मस्कुलर एंड म्यूकस लेयर्स होते हैं। जो म्यूकोसल लेयर होता है ये फोल्ड्स में अरेंज होते हैं, जिसे रूगा कहते हैं, जिस तरह स्टमक में भी रूगा होता है। अब आते हैं स्लैवा। स्लैवा का क्या रोल होता है, ये माउथ को मॉइस्ट रखता है यानी नम रखता है, टंग के मूवमेंट में हेल्प करता है और लिप्स के जो स्पीच में हम करते हैं तो फ्रिक्शन को ख़त्म करता है। मेस्टिकेशन में हेल्प करता है जो चबाने में, और स्वेलो जो फूड को हम चबाने के बाद अंदर लेते हैं। इट डाइल्यूट्स हॉट सब्सटेंसेस, जो गर्म चीज़ें होती हैं उसे डाइल्यूट करता है तो ठंडा करता है। डाइजेशन में भी इसका रोल होता है, किस तरह, ये टैलिन रिलीज करता है जो स्टार्च को माल्टोज और माल्टोट्रायोज में कन्वर्ट करता है। ये एक्सक्रीशन भी करता है, यूरिया, हैवी मेटल्स, एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन को एक्सक्रीट करता है। और ये टेस्ट में भी इसका रोल होता है, क्या करता है, ये जो टेस्ट रिसेप्टर्स की जो केमिकल्स होते हैं ये इसे मिक्स करता है, उसे सोलुबलाइज करता है और वो फिर उसके बाद हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स के साथ उसका एक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन होता है, जो स्टमक में जो चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं जो जूस, उसे गैस्ट्रिक जूस करते हैं। इट इज़ अ वाटरी डाइजेस्टिव फ्लूड, ये वाटरी होता है, इसमें 0.2 to 0.4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है। जो ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं स्टमक में, जो म्यूकस में होते हैं, कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड फंटिक ग्लैंड, और ये 2500 ml पर डे सिक्रीट होता है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, मैंने जिस तरह बताया पेप्सिनोजन होता है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, HCl होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज और जेलेटिनेस। आयंस होती है इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वाटर होता है, HCl होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है जिसमें पेप्सिन हमारे पास होता है, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में इसका रोल होता है और ये प्रोटीन्स को पेप्टोन स्टेज तक कन्वर्ट करता है। जो गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं ये फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिस तरह पहले बताया इसका एंटीसेप्टिक फंक्शन होता है जो HCl होता है, और ये एक्सक्रीशन भी करते हैं, कौन से, टॉक्सिन्स, मेटल्स एंड अल्कोलॉइड्स इसको एक्सक्रीट करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।